नमस्कार, महेश बलमंगिया में आपका स्वागत करता हूं। आपको दिखाने जाता हूं कि आपका हमारा जो डायवर्टर फिटिंग है, वाड़ा फिटिंग है, उसके बारे में आपको दिखाता हूं कैसे क्या फिटिंग है, उसका प्रोसेस, उसके बाद कनेक्शन के बारे में, हॉट फॉल्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में बनी रहिएगा, पूरा देखिएगा। आपको कैसे बताता हूँ मैं और फिटिंग कैसे हुआ, उसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ कैसे क्या उसका प्रोसेस है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रिप करके मत देखिएगा। तो आपको मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कैसे क्या फिटिंग किया हुआ है, उसके बारे में और मिक्सर के बारे में। और दोस्तों, बुरा मत लगाना क्योंकि मैं यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, इसके लिए मैं शर्ट उतार दिया हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखने में भी मज़ा आएगा आपको, कैसे क्या प्रोसेस है उसका। सीलिंग का सावर हमारा पूरा दिखाया हुआ है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्या फिटिंग प्रोसेस है हमारा, काम करने का तरीका जैसे भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या फिटिंग हुआ है, चलिए आपको लेकर चलता हूँ वीडियो दिखाने के लिए कैसे क्या फिटिंग हुआ। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहले वहाँ रिटर्न गर्म और कोल्ड लाइन है। कोल्ड लाइन का हमने कंट्रोल वाल दिया हुआ, तीनों लाइन वहाँ से आके यहाँ पर टी लग गई है। हमने सारी लाइन सीधी रखा हुआ है और यहाँ टी लगा के रिटर्न लाइन चली जाएगी। यहाँ से हमारा दोनों गर्म ठंडा यहाँ से आया पूरा, फिर यहाँ से लाइन हमारी एक की पूरी पौना की लाइन, और उसके बाद हमारा मिक्सर है यहाँ पर 42 इंच में दिया हुआ है, डोरी मिल रही है 42 इंच पर दे दिया है। वही प्रोसेस है हमारा, जो सेम टू सेम, इसको उतना कंसील करना है। उसके बाद यहाँ ऑफसेट बैंड लग के यहाँ से हमने कोल्ड का यहाँ से गर्म का मिक्सर का दे दिया, गर्म का कूलर का यहाँ से रहता है और कोल्ड का यहाँ से रहता है, गर्म की लाइन यहाँ से गया। उसके बाद हमारा 19 इंच पे आउटलेट हो जाता है। फिर हमने यहाँ से कोल्ड लाइन से फ्लश टैंक का कनेक्शन दे दिया, यहाँ टी मार के हमने इसका जेड स्प्रे का पॉइंट बना दिया है। फिर हमारा गर्म लाइन, रिटर्न लाइन, और ये हमारा फ्लश टैंक है हमारा 16.5 का, हमने लिख भी दिया है इसके, हर कमोड के पीछे लिखते हैं। अलग अलग बाथरूम का हमारा अलग अलग प्रोसेस है। तो हमारा जो एलंकी वाला कमोड है, तो हमारा जो यहाँ पर शावर एरिया हम जो बोलते हैं वो फिटिंग हमारा, तो शावर एरिया हमने यहाँ शावर तक एक की लाइन लाया, पौने की लाइन गर्म की है। तो हमारा यहाँ सबसे पहले डायवर्टर में, जो भी डायवर्टर है कोलर कंपनी का डायवर्टर है, इसमें दिखाया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम, हमने उसके हिसाब से इसका फिटिंग किया हुआ। टाइल आ जाए तो हमारा यहाँ इतना कंसील हो जाए, तो हमारा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका गर्म लाइन यहाँ से दिया हुआ है और कोल्ड लाइन यहाँ से, बाकी इसमें दूसरे थे हमने जाम कर दिया, इसलिए वीडियो में आपको पूरा दिखा नहीं पाया। तो इसमें 3 कनेक्शन ऊपर हैं, 3 कनेक्शन नीचे हैं, डबल डबल कनेक्शन है, एक लाइन का डबल कनेक्शन है। तो हमने यहाँ पर बूच मार दिया, ये सावर का एशपाउट का ले लिया है, और यहाँ से सावर का दिया तो इसके नीचे हमने हैंडकेप मार दिया है, और ये हैंड सावर का लिया है तो इसके नीचे हमने हैंडकेप मार दिया है। तो हैंड सावर का कनेक्शन हो गया, सावर सीलिंग में चला गया है, और इसमें पूरा बटन सिस्टम है। इसका मैं अगर प्लेट लगाऊंगा तो इसका वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है। तो स्पाउट हमने 2 फुट पे दिया हुआ है, इसको मैंने पहले जाम कर दिया है। तो इसमें हमने पूरा आपको दिखाया कैसे क्या, इसका 42 इंच हमने यहाँ से ले लिया है, पूरा 42 इंच डोरी पे है। तो इसका हमने पूरा ऐसे सेटिंग किया, पहले जाम किया, उसके बाद फिटिंग किया हुआ है। आड़ा डायवर्टर लगता है, इसमें पूरा आपको समझाया हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ डायवर्टर कनेक्शन। देखो, इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ से कोल्ड लाइन है, यहाँ से हॉट लाइन, पूरा इसमें बताया हुआ है। इसमें यहाँ ऊपर से हॉट है, नीचे से कोल्ड है, यहाँ 3 कनेक्शन जैसे इसमें ऊपर है, इसे नीचे सेम टू सेम है। तो इसमें हमने ऊपर का बूच मार दिया, नीचे स्पाउट का ले लिया, ये सावर का ले लिया, तो इसके नीचे जो हमारा हमने यहाँ पर हैंडकेप लगा दिया है, इसमें भी हैंडकेप लगाया, यहाँ इसका चला गया हैंड सावर का, ये सावर का हो गया। तो हमने इस हिसाब से काम किया, इसमें इसमें कनेक्शन कितने, 8 कनेक्शन है, तो नीचे के 2 ऊपर के 1 बंद कर दिए हैं। तो ये कोलर कंपनी का है फिटिंग है। तो आपको वीडियो कैसा लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा कैसा फिटिंग है पूरा, हमने एक लेवल में किया, और हमने पहले से 2 फुट जो हाइट देते थे उससे हमने ऊँचा ले लिया, 30 फुट पे लिया है, क्योंकि कबाट में हमारी लाइन लड़ती थी, इसके लिए हमने 30 इंच पर दे दिया है, 30 इंच से ऊपर दे दिया है, तो उनका पत्थर भी आ जाएगा और कबाड़ भी आएगा, कहीं लड़ेगा भी नहीं। इसके लिए हमने सारी लाइनें ऊपर ले लिया, अभी पहले से हमने फिटिंग चेंज किया हुआ है। तो हमारा पूरा फिटिंग होके रेडी हो चुका है, अब खाली टेस्टिंग करना है इसमें, और माल का सपोर्ट जरूर दीजिएगा। अभी इसमें माल का सपोर्ट बाकी है, हमने मिक्सर में दे दिया है। माल का सपोर्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका जो सेंटर वो आउट ना जा रहा है, इसके लिए बोलता हूँ। आपका कोई भी चीज़ एक बार रखने से आपको दिक्कत नहीं होती, फिर बार बार हिलने की फिर आपको करना पड़ता है। तो आपको चलिए फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कोलर कंपनी का जो डायवर्टर है, मैं आपको बताया कैसे क्या फिटिंग उसके बारे में, कंसील के बारे में,
मिक्सर के बारे में पूरा डिटेल बताया, कैसे कहाँ से लाइन लेते हैं, लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, उसकी लिट्टी जो बाहर रहेगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसे काम कीजिएगा तो आपको भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले बात ये है कि आप कोई भी सामान फिटिंग करिएगा तो उसमें माल का सपोर्ट दे दीजिए, खिल्ला तो मारते ही हैं, तो माल का सपोर्ट देने से क्या सेंटर आउट नहीं जाता है। तो हमने बताया डायवर्टर के बारे में, स्पाउट और सावर, सीलिंग सावर हमारा है, सावर बड़ा आएगा हमारा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या हम करने फिटिंग करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे, कुछ नया लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे क्या कैसे हमारा प्रोसेस काम करने का। इसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी हमारा कोलर का कंपनी का ये फिटिंग है तो आपको मैं बता सकता हूँ कॉमेंट में। आपको मिलते हैं नए वीडियो में, आपका स्वागत है, महेश प्लम्बिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ।